दोस्तों, क्या आपका इंस्टाग्राम पासवर्ड किसी को पता लग चुका है? अगर ऐसा है तो आपको अभी के अभी जो है अपना पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका अकाउंट जो है वो इनसिक्योर हो जाता है और आपके अकाउंट के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू चेंज इंस्टाग्राम पासवर्ड, या फिर कह लो इंस्टाग्राम के पासवर्ड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम के पासवर्ड को जो है चेंज कर पाएंगे। अभी जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा सेम एज इट इज़ आपको जो है फॉलो करते जाना है, उसके बाद आप भी जो है अपना अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे अपने पासवर्ड को हम चेंज कर पाएंगे। तो ये जो प्रोफाइल है, आपको ना तो यहाँ पे कोई पोस्ट दिख रहा है ना प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट। तो उसमें मैंने एक डेमो अकाउंट क्रिएट किया था, ये वही डेमो अकाउंट है। तो इसी डेमो अकाउंट पे आज हम जो है ट्रायल करने वाले हैं कि कैसे पासवर्ड को चेंज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए वीडियो को अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोसेस क्या है पासवर्ड चेंज करने का। तो सबसे ऊपर आपको देख सकते हैं राइट साइड अपर कॉर्नर में तीन छोटे से लाइन है, इस पर आपको आ जाना है। उसको सबसे नीचे आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको चले जाना है। उसके बाद आपको जाना है सिक्योरिटी वाले ऑप्शन के अंदर। अब यहाँ पे सिक्योरिटी वाले के अंदर बहुत सारा ऑप्शन है, जिसमें से आपको पहला वाला ऑप्शन पासवर्ड का है और इसके अंदर आपको चले जाना है। अभी आपको इसके अंदर तीन बॉक्स दिख रहा है, पहला है करंट पासवर्ड, दूसरा है न्यू पासवर्ड और तीसरा है न्यू पासवर्ड अगेन। देखिए, करंट पासवर्ड वाले में आपको फिल करना है जो एट प्रेजेंट आपका पासवर्ड है, अभी का जो भी आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड है वो पहले वाले बॉक्स में फिल करना है, और दोनों जो नीचे वाला है उसमें आपको न्यू पासवर्ड फिल करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड फिल कर देता हूँ आपको डेमो दिखाने के लिए, और देखिए दिखा दिया। अभी देखिए ऊपर में एक टिक का ऑप्शन आ गया ब्लू कलर का, इस पर जब जैसे ही मैं टच करूँगा ये मेरा न्यू पासवर्ड जो है सेव हो जाएगा और ओल्ड पासवर्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा, और अब जो है अकाउंट लॉगिन होगा न्यू पासवर्ड से। आपका मतलब पासवर्ड आपका जो है चेंज हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, नीचे में आपको लिखा है फॉरगॉट पासवर्ड। जब हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं तो ये फॉरगॉट पासवर्ड का क्या फिर मतलब है? देखिए, आप एक चीज़ नोटिस किया होगा आपने, ऊपर लिखा है करंट पासवर्ड। ये करंट पासवर्ड को हम तब यूज़ कर पाएंगे जब हमको एट प्रेजेंट का पासवर्ड याद हो, मतलब अभी जो पासवर्ड मेरा है वो हमको याद हो। अगर अभी का पासवर्ड ही याद ना हो तब हम फॉरगॉट पासवर्ड को यूज़ करेंगे। अभी दोस्तों एक छोटा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब ये डेमो अकाउंट मैंने क्रिएट किया था और इसमें जो भी मैंने मोबाइल नंबर डाला था वो फ़िलहाल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ का जो थोड़ा सा प्रोसेस है वो अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि अभी वो फ़ोन नंबर जो है मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा जो है आपका डाउट्स क्लियर कर दूँ। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट्स आप जरूर करना, मैं आपका सारे डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो देखिए फॉरगेट पासवर्ड पे जब आप क्लिक करोगे, टच करोगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। वी सेंट अ टेक्स्ट मैसेज टू इतना 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 नंबर विथ अ लिंक टू रिसेट योर पासवर्ड। ये कह रहा है कि आपने जो नंबर यहाँ पे डाल रखा है, आप जब यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो वो उस नंबर पे एक टेक्स्ट मैसेज भेजेगा जिसमें एक लिंक होगा, और उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, और लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा इंस्टाग्राम पे। उसके बाद वहाँ से आप अपना न्यू पासवर्ड डाल के उसको सेव करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। आपको करंट पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है करंट पासवर्ड से, ठीक है। ये नंबर पे इसलिए मैसेज सेंड करता है ये वेरीफाई करने के लिए हाँ कि हाँ आप वही पर्सन है जिसका ये अकाउंट है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कि अगर आपका जो नंबर आपने डाल रखा है वो सिम अगर किसी कीपैड वाले फ़ोन में है, अगर वो उसमें इंटरनेट नहीं चलता है, या फिर अगर उस फ़ोन में कोई ब्राउजिंग का फैसिलिटी नहीं है, सिंपल फ़ोन है, तब आप वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके कैसे उसको ओपन करेंगे? तो इसका एक छोटा सा और भी सॉल्यूशन है कि उस मैसेज को आप अपने दूसरे वाले फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेना, जिस वाले में नेट आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप नेट सर्विंग करते हैं, आप उसको मैसेज को ट्रांसफ़र कर देना, सेंड कर लेना, और वापस उस मैसेज को ओपन करके उस लिंक पे क्लिक करके अपना पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों प्रोसेस जिसकी मदद से हम अपना इजी वे में अपने पासवर्ड को जो है चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितनी आसानी से, कितने सिंपल स्टेप्स में हमने अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड जो है चेंज कर लिया। सेम ऐसे ही स्टेप्स को जो है आप फॉलो करके आप भी अपने इंस्टाग्राम के पासवर्ड को जो है चेंज कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से दो सवाल करना चाहता हूँ। पहला,
क्या आपके इंस्टाग्राम के पासवर्ड किसी को पता है या फिर नहीं, बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या फिर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं आपके लिए भी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर जरूर एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, जाके आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।